हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मीनूज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चाय का मसाला। जी हाँ, चाय का मसाला जो कि बहुत ही स्पेशल मसाला है। ये आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देगा अगर ऐसी चाय पियोगे इस मसाले वाली चाय को। फ्रेंड्स, अगर हमें ये भागती दौड़ती दुनिया में हमें एक कप बढ़िया चाय मिल जाती है तो बस हमारा दिन बन जाता है। और कई घरों में तो शुरुआत ही दिन में सुबह चाय से ही होती है। तो हमें ऐसी फ्रेश ताज़ा चाय, इस मसाले चाय को आप पियेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिन बन जाएगा, बिल्कुल दिन फ्रेश से बीतने वाला है। चाय का मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, 20 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम दालचीनी और 10 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च चाय के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और सूखी अदरक का पाउडर 2 छोटे चम्मच और 25 से 30 लौंग। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, बिल्कुल साफ़ सूखा लेंगे, हर चीज़ सूखी हुई होनी चाहिए जिससे कि पाउडर हमारा ख़राब ना हो। मिक्सी जार में हम डाल लेंगे इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग। चाहे तो आप हल्के से इन मसालों को धूप लगा के इनको पीस सकते हैं। अदरक का पाउडर डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से पीसेंगे। देखिए, हमारी इलायची के छिलके अच्छे से पीसे नहीं है, ये बहुत अच्छे से पीसते भी नहीं है। इनको एक बार और चलाएंगे, जितना हम बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लेंगे। बाकी चाय में अपने आप से छन जाएंगे, छिलके को ऐसे ही रहने देते हैं। मसाला बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हमारा देखिए दरदरा मसाला बना है। इसको एक साफ़ सूखे जार में भर के रख लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब भी हमें चाय बनानी हो थोड़ा सा मसाला लें, बहुत ही कम डलता है मसाला। एक कप चाय में चुटकी भर मसाला डलता है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चाय बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी इस मसाले से। इसको भर कर रख दीजिए, साफ़ सूखे हाथों से निकालिए जब भी यूज़ करें। और ये मसाला हमारा साल दो साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस मसाले को बनाइए, आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको बनाकर देखिए, अपने एक्सपीरियंस को मीनूज किचन में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।